क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान में पहला टूर मैच चल रहा है। टेस्ट मैचों के लिए हो रहे इस 3 दिन के अभ्यास मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाज बुरी तरह से ढेर हो गए। हालत ये थी कि दोनों ही ओपनर्स 0 पर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने कुछ दमखम दिखाया और दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 237 रन बना लिए, क्योंकि वो तो एक तरफ कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खूटा गाड़ लिया था और थोड़ी सी लाज बचा ली, लेकिन भारत के ओपनर्स ने भारत को नाक कटाने से कहीं का नहीं छोड़ा। और टेस्ट मैच वाले अभ्यास के पहले दिन भारत की ऐसी हालत हो गई कि लोग रोहित शर्मा को याद करने लगे। यही नहीं, बीसीसीआई भी इस प्रदर्शन के बाद हरकत में है और रोहित शर्मा को जल्द ही ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सकता है। रोहित की इमरजेंसी एंट्री हो सकती है। तो कैसा रहा पहले दिन का पूरा खेल, कैसे ओपनर हुए ढेर, कैसे रहाणे ने लगाया महाशतक और दिन के आखिर में कैसे उमेश यादव ने की छक्कों की बरसात, आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब कुछ। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे होगी रोहित की एंट्री। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि रोहित की ऑस्ट्रेलिया में एंट्री कितनी जरूरी है। तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में T20 मैच है, तो वहीं सिडनी के ही एक अन्य मैदान में भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच अभ्यास मैच भी शुरू हो गया है। अभ्यास मैच का पहला दिन टीम इंडिया की पोल खोलने के लिए काफी था। हालांकि दिन के आखिर में कुछ ठीक ठाक बल्लेबाजी हुई और स्कोर 237 तक पहुंच गया, लेकिन शुरुआत बेहद खराब थी। टॉस जीतकर अजिंक्य रहाणे की टीम पहले बैटिंग करने उतरी। शुभमान गिल और पृथ्वी शॉ को ओपनिंग करने का मौका मिला। अब यहां पर पारी शुरू होते ही बल्लेबाजी ढेर हो गई। जी हां, मैच के दूसरे ही ओवर में शुभमान गिल आउट हो गए, वो भी अपनी पहले ही बॉल पर, यानी टीम इंडिया को पहला झटका दूसरे ही ओवर में लग गया। इसके बाद अगले ओवर यानी कि तीसरे ओवर में दूसरे ओपनर पृथ्वी शॉ भी ढेर हो गए। पृथ्वी शॉ भी अपना खाता नहीं खोल पाए। जी हां, दोनों ही ओपनर्स 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे, यानी ओपनिंग पूरी तरह से ढेर हो गई और लोग रोहित शर्मा की वापसी की मांग करने लगे, क्योंकि रोहित होते तो टीम इंडिया की हालत यहां पर ऐसी नहीं होती। अब इसके बाद पुजारा और विहारी ने कुछ टिककर खेलने की कोशिश की और कुछ रन भी बनाए, लेकिन इसके बाद फिर हनुमा विहारी भी 40 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। विहारी ने सिर्फ 15 ही रन बनाए और इसके बाद मैदान में उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे और पुजारा ने जबरदस्त इंटेंट दिखाया, लेकिन यहां पर एक बार फिर पुजारा के रूप में झटका लग गया। पुजारा 54 रन की पारी खेलकर आउट हो गए, यानी टीम इंडिया को लगातार विकेट पर विकेट झटके लग रहे थे और भारतीय टीम यहां एक बार फिर मुश्किल में आ गई थी, क्योंकि 116 रन पर 4 विकेट आउट हो चुके थे, लेकिन अभी तो हालत और खराब होनी थी। इसके बाद खेलने आए विकेट कीपर दिमान साहब भी 0 पर आउट हो गए और फिर आर अश्विन भी 5 रन बनाकर चलते बने। टीम इंडिया के 128 रन पर 6 विकेट गिर गई और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 150 रन से पहले ही ढेर हो जाएगी, मगर यहीं पर एक छोर से अजिंक्य रहाणे ने खूंटा गाड़ा हुआ था। रहाणे लगातार शॉट्स खेल रहे थे, चौके मार रहे थे, छक्के मार रहे थे और रन लगातार बना रहे थे, और इसी दौरान कुलदीप यादव ने रहाणे का अच्छा साथ दिया। कुलदीप ने हालांकि 15 ही रन बनाए, लेकिन इस दौरान 78 बॉल खेली और रहाणे के साथ मिलकर 69 रन की पार्टनरशिप की और टीम इंडिया को 200 के करीब पहुंचाया। इसके बाद कुलदीप के आउट होने पर उमेश यादव आए और उमेश ने अपने चिर परिचित अंदाज में ताबड़तोड़ चौके और छक्के लगाए। उमेश ने 24 रन की पारी खेली जिसमें से 22 रन उन्होंने चौके छक्कों से बना दिए, 4 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और रहाणे का अच्छा खासा साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे ने अपना शानदार खेल जारी रखा और 205 बॉल पर शानदार शतक लगाया। रहाणे का ये महाशतक इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि रहाणे ने बेहद दबाव में ये पारी खेली थी और टीम इंडिया को मझधार से निकाला था। रहाणे ने दिन का खेल खत्म होने पर 108 रन बना लिए थे और रहाणे नॉट आउट रहे सिराज के साथ। रहाणे ने अपनी पारी में 16 चौके लगाए तो एक शानदार छक्का भी उड़ाया और कप्तानी पारी खेलते हुए भारत की लाज कुछ हद तक बचा ली। अब टीम इंडिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने पर 8 विकेट पर 237 रन बना लिए, जो कि शुरुआती झटकों के बाद ठीक ठाक स्कोर कहा जाएगा, लेकिन शुरुआती जो झटके लगे उनसे एक बार फिर रोहित शर्मा की डिमांड तेज होने लगी है कि रोहित शर्मा की ऑस्ट्रेलिया में एंट्री कराई जाए, रोहित को कंगारों के देश भेजा जाए ताकि टीम इंडिया की ऐसी हालत कम से कम हो और रोहित का दमखम ऑस्ट्रेलिया में नजर आए।
वैसे बीसीसीआई भी 12 दिसंबर को रोहित शर्मा के फिटनेस का टेस्ट करने जा रही है और बहुत संभव है कि उसके बाद जल्द से जल्द रोहित शर्मा को कंगारुओं के देश रवाना किया जाएगा, क्योंकि भारत की टेस्ट मैचों में वाकई हालत खराब हो सकती है और रोहित यहाँ ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो रहाणे के शतक पर आपका क्या कहना है, रोहित की वापसी कितनी है जरूरी, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। तो कैनबरा में खेला गया पहला T20 मैच भले ही भारत ने जीत लिया हो, लेकिन ये मैच भारत की जीत कम कंकशन रूल की वजह से ज्यादा याद रखा जाएगा। रविंद्र जडेजा ने बैटिंग तो की लेकिन फील्डिंग के दौरान नहीं उतरे और भारत ने जडेजा के सब्स्टिट्यूट के तौर पर चहल को उतार दिया और चहल ने करामाती खेल दिखाते हुए 3 बड़े विकेट झटक लिए और टीम इंडिया को जीत दिला दी। बस यही बात विवाद की वजह बन गई। अब जडेजा के हेल्थ का अपडेट भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि सिर्फ खिलाड़ी बदलना विवाद नहीं था बल्कि बहुत कुछ और भी हुआ था मैदान में। असल में रविंद्र जडेजा को आखिरी ओवर में स्टार्क की बॉल हेलमेट पर लगी थी। अब हैरानी देखिए कि यहाँ पर जडेजा ने कोई शिकायत नहीं की थी और यहाँ तक कि फिजियो को भी मैदान में नहीं भेजा गया और जडेजा ने बैटिंग जारी रखी थी। इसके बाद जडेजा ने 9 रन और बनाए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में हार जीत का अंतर भी सिर्फ 11 रन का था। बस विवाद यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जब बॉल लगने के बाद जडेजा खेलता रहा तो अचानक ड्रेसिंग रूम में आने के बाद उसे क्या हो गया, क्योंकि 2 पारियों के बीच अंतर भी सिर्फ 20 मिनट का होता है, तो ऐसे में जडेजा ने मैदान से आते ही दिक्कत की बात कही होगी। अब यहाँ पर कंगारू कोच जस्टिन लैंगर ने मैच रेफरी डेविड बून से इसका विरोध किया और जडेजा की जगह पर चहल को उतारने पर खासा बवाल भी किया। यही नहीं, मैच के बाद तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मोइजेस हेनरिक्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि ठीक है जडेजा चोटिल है, हम सम्मान करते हैं, वो नहीं खेल सकता, लेकिन एक ऑलराउंडर की जगह पर आप एक विशुद्ध गेंदबाज को चेंज नहीं कर सकते और भारत ने गलत किया। जी हाँ, बवाल यहाँ पर जबरदस्त बढ़ गया। इतना ही नहीं, भारतीय होने के बावजूद कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट संजय मांजरेकर ने भी जडेजा पर सवाल खड़े कर दिए। और वैसे तो सभी जानते हैं कि मांजरेकर जडेजा को पर्सनली भी पसंद नहीं करते और यहाँ पर तो टीम के लिए मैच जिताओ पारी खेलने वाले, अपने जान की बाजी लगाने वाले जडेजा के लिए मांजरेकर के मुंह से तारीफ नहीं निकली, बल्कि मांजरेकर ने सवाल उठा दिया कि जडेजा को जब बॉल लगी तो तब जडेजा ने शिकायत क्यों नहीं की, जडेजा ने तब फिजियो को मैदान में क्यों नहीं बुलाया। मांजरेकर तो यहां तक कहने लगे कि इसके बाद भी जडेजा ने 9 रन बनाए और यही 9 रन हार जीत के अंतर है। यानी मांजरेकर चाहते थे कि भारत हार जाए और जडेजा हीरो किसी भी तरह ना बन पाए। अब यहाँ पर जडेजा ने तो जवाब मांजरेकर को नहीं दिया, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने संजय मांजरेकर को जबरदस्त और करारा तमाचा जरूर जड़ दिया और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों को भी एक तीखा जवाब अपनी तरफ से दे दिया। सहवाग ने साफ साफ कहा कि कई बार 24 घंटे बाद भी लक्षण दिखते हैं या फिर सामने आते हैं। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने जो किया वो ठीक किया और इस पर किसी भी सफाई की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जडेजा को पवेलियन आने के बाद ही दिक्कत हुई हो और कंकशन रूल ICC ने ही बनाया है और ऑस्ट्रेलिया खुद इंग्लैंड के खिलाफ इसे यूज कर चुका है। यानी सहवाग ने मांजरेकर के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई विरोधियों को भी तीखा जवाब दे दिया। अब यहाँ पर रविंद्र जडेजा को लेकर भारी बवाल हो रहा है, तो वहीं जडेजा की हेल्थ अपडेट भी आपको बताते हैं। तो जडेजा को T20 सीरीज से फाइनली बाहर कर दिया गया है और जडेजा की जगह पर शार्दुल ठाकुर को टीम में चुन लिया गया है। जडेजा की हालत अभी ठीक है और जडेजा बात कर रहे हैं, सब कुछ समझ भी रहे हैं, बस जड्डू की हेल्थ पर BCCI की मेडिकल टीम नजर बनाए हुए है। और कंकशन रूल के तहत जब आप आधा मैच नहीं खेलते हो तो उसी कंकशन नियम के ही तहत खिलाड़ी को 7 दिन का आराम देना भी जरूरी होता है और इसीलिए जडेजा को T20 सीरीज से बाहर किया गया है और जडेजा T20 मैचों में अब नहीं खेलेंगे। हालांकि 7 दिन बाद जडेजा फिट होंगे और उपलब्ध भी होंगे और टेस्ट सीरीज के लिए जडेजा खेलेंगे। यानी जडेजा ठीक हैं, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर रविंद्र जडेजा ठीक हैं, लेकिन देश के लिए जड्डू ने जान की बाजी लगा दी। अब ऐसे में विपक्षी तो विरोध करेंगे ही, लेकिन मांजरेकर जैसे कुछ दिग्गज लोग जो कि सवाल उठा रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि आप इसी देश के होते हुए उसी देश के खिलाड़ियों पर गलत तरीके से सवाल उठा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, जडेजा पर सवाल उठाना मांजरेकर का कितना सही है, आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को अभी शेयर करें।
क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।